14 अक्टूबर या अशोक धम्म विजय दशमी, दशमी यानी कि दसवां दिन जो अमावस के बाद आता है असयुज के महीने में यानी कि अश्विन के महीने में। 14 अक्टूबर 1956 14th October 1956 बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर की जगह चुनी और वहाँ धम्म दीक्षा दी जो लगभग 2500 साल बाद बुद्ध के धम्म के बाद में आई। जगह और जो डेट उन्होंने चुनी है उस दिन दसवें यानी दशहरा भी था, या ये कहें कि बाबा साहब ने दशहरे को चुना और नागपुर को चुना, क्योंकि दो कार्यक्रम उस दिन के बाद से होते हैं। और एक बात बहुत ध्यान देने की है कि जब बुद्ध एक्सपायर हो रहे थे यानी कि अपनी सांसें बंद कर रहे थे, निब्बान को प्राप्त हो रहे थे, तो उन्होंने आनंद को ये कहा कि आनंद अगर कुछ नियम छोटे मोटे चेंज करना चाहें, बदलना चाहें, तो भिक्खु संघ बदल सकता है। आनंद ये पूछना भूल गए कि भगनवन कौन से वो नियम हैं जो छोटे मोटे चेंज किए जा सकते हैं, और भगनवान ने भी उनको नहीं बताया। जाहिर सी बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, समझदारी की बात है, जो सिखाया धम्म उसके अनुसार आप उनको कर सकते हैं। कुछ लोगों ने उनको चेंज भी किया जो बाद में महासांघिक के नाम से आए, जिनको महायानी भी बोलते हैं, और जो ही यानी हैं उन्होंने वो चेंज नहीं किए। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में बताया है कि नागपुर की विशेषता क्या है और क्यों उन्होंने इसको चुना है, फिर भी कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ, कन्फ्यूजन रहा। इस कन्फ्यूजन का अगर बाबा साहब एक लाइन बोल देते कि ये मैंने दशहरे पे खास तौर से इसको चुना है या दशहरा वाले दिन ही इसको करना है, तो फिर 14 अक्टूबर की डेट की जो महत्वता थी, जो बात थी, ख़त्म हो जाती, या वो कह जाते कि ये 14 अक्टूबर को ही करना है, इसी डेट को आगे करना है, ये डेट ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर दशहरे की मान्यता ख़त्म हो जाती। यहाँ सबसे पहले हम जो एक निगाह डालेंगे वो डेट पर डालेंगे यानी तारीख पर डालेंगे। पुराने समय में कहीं कोई अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं होता था, ना ही सन होते थे जैसे 1956 है या 1957 है, ये बहुत बाद में जाके बने, क्योंकि ये जो कैलेंडर है ये जब सन के चारों तरफ अर्थ पूरा घूमती है 365 दिन और 6 घंटे कुछ सेकंड मिनट में, तब उस एक चक्कर लगाने पे, अर्थ के एक चक्कर लगाने पे एक साल माना जाता है। मगर पुराने समय में इतनी जानकारी नहीं थी कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, ये जानकारी बहुत बाद में आई। तब हमारे पास में एक ही जानकारी थी कि चंद्रमा घटता है और बढ़ता है, यानी जो चांद है, जो मून है, वो घटता है और बढ़ता है। पूरी दुनिया में जो कैलेंडर बना, जो कंपेरेटिव डेट बनी या समय बना, वो चंद्र की यानी चंद्रमा की, मून की जो पोजिशन है, जो उसकी कलाएँ हैं, जो उसकी स्थिति है, उसके ऊपर बना। 30 दिन लगते हैं चंद्रमा को एक स्थिति से दोबारा उसी स्थिति में आने में। एक बार वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है जब अंधेरा होता है, अमावस होती है, नो मून होता है, और एक बार वो पूरी तरह से बड़ा होता है जब फुल मून होता है। फुल मून को पूर्णमासी बोलते हैं, यानी पूर्ण माने कंप्लीट मंथ, कंप्लीट मास, और जो अमावस होती है वो 15 दिन आती है। ऐसे करके पूरा कैलेंडर बना है। बुद्ध के समय भी पूर्णमासी वाला कैलेंडर चलता था, यानी जितनी पूर्णमासी हैं उन्हीं को कोई ना कोई काम हुआ करता था। बुद्ध के खुद के जो बर्थ है और जो ज्ञान प्राप्त किया है या जिस दिन उन्होंने निब्बान प्राप्त करके अपनी सांस छोड़ी है, वो तीनों दिन एक समय रहे हैं और वो वैसाख पूर्णिमा को रहा है। सारी की सारी जो पूर्णमासी हैं वो कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें उस दिन हुई हैं और की हैं। सारी दुनिया में पूर्णमासियों का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, फुल मून का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। इसलिए पूर्णमासी से पहले जो 5 दिन पहले आता है दसवीं, क्योंकि हम उस डेट को ऐसे बोलते हैं जैसे पटिपदा, यानी पहला दिन फुल मून के बाद में जो पहला दिन आता है उसको बोलते हैं पटिपदा। पटिपदा के बाद में आता है द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर छठ, सत, अठ, नवमी, फिर दसवीं आती है, फिर एकादश आता है, बारस आता है, तेरस आता है, चौदस आता है, और फिर आता है पूर्णमास यानी पूर्णमासी। एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष यानी श्वेत पक्ष, श्वेत पाली में बोलते हैं सफ़ेद को, यानी कि जब मून बढ़ता है और सफ़ेद लाइट बढ़ती है। एक आता है जो पक्ष आता है उसको बोलते हैं कण पक्ष, कण पक्ष का मतलब है कृष्ण पक्ष, बाद में संस्कृत भाषा में बोला कण का मतलब है काला, यानी कि डार्क होता चला गया। इसी आधार पर यह 30 दिन का मून का पूरा सेशन माना जाता है। तो पुराने समय से जो दसवीं है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, अष्टमी बहुत ज़्यादा रही है, यानी अठवीं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। उपोषद जो होते हैं वो अठवीं को होते हैं, दोनों अठवीं को,
और अमावस को होते हैं और पूर्णमासी को होते हैं, यानी एक महीने में चार बार उपोषद का नियम है। दसवीं इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने साध वाला अगर वीडियो देखा हो और मैंने उसमें बताया है कि कैसे साधना करती हैं महिलाएं और कैसे साधना करती हैं जो बच्चे हैं और जो आदमी हैं, और साधना के बाद में दुर्गम काम करके कैसे वो दसवें दिन उसको पूरा करते हैं विपसना साधना से, और दसवें दिन वो फेस्टिवल मनाते हैं। और दसवीं के दिन ही सबसे बड़ा फेस्टिवल है। फेस्टिवल इसलिए भी है क्योंकि जो इन्वेडर्स होते हैं, जो आक्रमक लोग होते हैं, जो आक्रमक करने वाले होते हैं, पाली में आक्रमति का मतलब होता है आक्रमण करने वाले, और बाह्य का मतलब होता है जो बाहर से आक्रमण करते, तो बाह्य आक्रमति यानी बाह्य आक्रमण करता हुआ, इसको बही आक्रमण किया और बाहर से फिर आ हटा दिया, मण हो गया। तो जो बाहर से आक्रमण करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, वो कभी भी अपने साथ अपने फेस्टिवल लेकर नहीं आते। फेस्टिवल हमेशा उन्हीं लोगों के होते हैं जिस जगह पर वो रहते हैं, भले ही वो युद्ध में जीते या हारे, मगर फेस्टिवल कभी नहीं जाते। फेस्टिवल उनके खून में रचे बसे होते हैं, और भारत के तो सारे फेस्टिवल ही सारे के सारे किसानों के ऊपर बने हुए हैं, खेती के ऊपर बने हुए हैं। भारत का कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जो कृषि प्रधान यानी फार्मिंग के ऊपर ना हो, किसानों के साथ सारे सारे, क्योंकि यहाँ सारे लोग खेतिया थे, खेत का काम करते थे, तो खेती खत्री छत्री ये सब एक ही बात में कहलाते हैं, और आज भी वही लोग हैं। तो वो जो दशहरा का उत्सव है वो यहाँ का उत्सव है क्योंकि आगे फसल आनी है, गेहूं की आनी है, आगे सरसों की फसल आनी है, तो उसकी बाली को उगा के देखते हैं कैसी उग रही है, साधना भी करते हैं, ये सारे काम चलते रहते हैं, उसके बाद फिर पावर्णा आती है। तो दशहरा इसलिए शब्द चुना क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर के सारे वॉल्यूम को पढ़ लेगा और समझ लेगा, पढ़ना अलग बात है समझना अलग बात है, अगर वो उसमें नाग वाली सारी बातें पढ़ लेगा तो वो ये जानेगा कि भारत में अधिकतर लोग नाग हैं, और जो नाग लोग हैं उनका ये फेस्टिवल है, और नागपुर जो जगह है वो नागों की जगह है। अब चूंकि बाबा साहब ने तो पढ़ा नहीं, उन्होंने तो लिखा है, तो लिखने वाला आदमी तो वैसे भी 20 किताबें पहले पढ़ता है, 20 लेक्चर पहले सुनता है, 20 बातें वो पहले मनन करता है, तब जाके एक बात लिखता है। तो कितना वास्ट और कितनी बड़ी नॉलेज रही होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, बाबा साहब को, कि उन्होंने वो बातें किताब में लिखी हैं। तो वो सब जानते हैं कि दशहरा कितना, दसवीं कितना इंपॉर्टेंट शब्द है और कितना नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दशहरा ही उन्होंने चुना और नागपुर खास तौर से उन्होंने चुना, ये अनडाउटफुल है, बियॉन्ड डाउट है, यानी इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी जो लोग 14 अक्टूबर को मनाते हैं उसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो भी खुशी की बात है। कारण ये है कि कई सारे लोग अपने अपने कारणों से डेट बदल देते हैं, कई पर्सनल झगड़ा हो सकता है, कोई ईगो हो सकता है, कोई नेतागिरी का लफड़ा हो सकता है, कोई आदमी अपने आप को दिखाना चाहता हो सकता है, कोई किसी की सही बात को ना माने, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, रंजिश हो सकती है, बहुत सारी है, चिड़ है, ईगो है, बहुत सारी बातें हो सकती है, पर उससे कोई एतराज़ नहीं है। 14 अक्टूबर को मनाना है उसे भी मनाइए, होना ये चाहिए कि 14 अक्टूबर और दसवीं के बीच में जितने दिन हैं वो सारे के सारे अशोक धम्म विजय दिवसों के नाम से या दिवस के नाम से या दिवसा के नाम से आने चाहिए, क्योंकि दीक्षा भूमि में जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और दीक्षा भूमि एक दिन में या दो दिन में सारे लोगों को नहीं संभाल सकती। और वैसे भी क्या बोलते हैं, खुशी का समय है, और खुशी की अगर बात है और धम्म की अगर बात है तो 365 दिन होना चाहिए दीक्षा भूमि पे, 365 दिन ऐसा ही मेला लगना चाहिए जैसा कि 14 अक्टूबर को लोग लगाते हैं या जैसा कि विजयदशमी वाले दिन लगाते हैं, क्योंकि जितने भी उत्सव हैं वो उत्सव जहाँ सेंटर उनका होता है वो सेंटर हमेशा लबालब भरे रहते हैं और लोग उसमें आते जाते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि विजय अभी फिलहाल के लिए विजयदशमी और 14 अक्टूबर के बीच का जितना समय है वहाँ लगातार आते रहें ताकि व्यवस्था बनी रहे। बहुत सारे लोग दीक्षा भूमि में जाते हैं, उनको सोने की जगह नहीं मिलती, खाने की जगह नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, सड़कें बिल्कुल ठसाठस भरी रहती हैं, रेल में रिजर्वेशन नहीं मिलता, जहाज़ों में रिजर्वेशन नहीं मिलता, लोग जाते हैं तो वहाँ सोने की जगह नहीं मिलती। अब सभी का जाने का मन करता है, एक साथ जा नहीं सकते, इसलिए 365 दिन जाएँ फिलहाल 14 अक्टूबर और 1956 जैसा भी लोग, क्योंकि समय अपने आप और चीज़ें अपने आप बदलती रहती हैं, आप ना भी करेंगे तो भी लोग अपने आप कुछ ना कुछ निकाल लेंगे और उसी हिसाब से जाना शुरू करेंगे। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 का जो डे है उसकी भी बधाई है, जो अशोक धम्म विजय दशमी है उसकी भी बधाई है, इसके बीच में जो समय है उसकी भी बधाई है, और 365 दिन जो लोग दीक्षा भूमि जाते हैं उसकी भी बधाई है। धम्म तो खुशी देता है, खुशी जितनी ज़्यादा बटे रोज़ रोज़ मिले उतना ही अच्छा है, उतना ही बढ़िया है। धन्यवाद।